घर का बना खाना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें नए वीडियो के लिए। हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। जब तेल हल्का गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 3/4 टीस्पून जीरा डालेंगे। जब जीरा हल्का फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें 1 प्याज का पेस्ट डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम 3/4 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अब हम इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब प्याज तेल छोड़ देगा तब हम इसमें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के मिला लेंगे। अब हम इन मसालों को थोड़ी देर भूनने देंगे और उसके बाद हम इसमें 2 टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे हल्का फ्राई कर लेंगे। अब हम ये पैन का ढक्कन लगा देंगे और इसे 1 मिनट तक के लिए पकने देंगे। एक मिनट बाद हम इसे खोल के चेक कर लेंगे। ये देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तो अब हम इसमें ये पिसी हुई पालक डालेंगे। मैंने यहाँ पे पालक को पहले बॉईल कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने इसे मिक्सी में डाल के पीस लिया है। इसको मिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और इसे मिला लेंगे और फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद हम इसे ढक देंगे और 1 बॉईल आने तक पकाएंगे। अब हम इसे खोल के चेक कर लेंगे। ये देखिए, ग्रेवी के ऊपर ये हल्का सा तेल आ गया है, तो मतलब ये ग्रेवी एकदम रेडी हो गई है। अब हम इसमें पनीर के टुकड़े डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम पनीर का यूज किया है, जिसको मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है और इसको हल्का सा मिला लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और इसे 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये जो पनीर है इसमें अच्छे से फ्लेवर्स चले जाएं। अब हम इसे खोल के चेक कर लेंगे और फिर हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे और 1 टेबलस्पून क्रीम डाल लेंगे और अब हम इसे मिला देंगे। हमारा पालक पनीर एकदम रेडी है, इसे गर्मा गर्म सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर जो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे बाकी वीडियोस देखने के लिए आप इन इमेज लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।